अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप सब लोग एक नई वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह ताला देखते रहिए और जल्दी से आगे ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। एक छोटा सा मैच होने वाला है, आधा घंटा भी हमारे पास बचा तो हमने बोला कुछ सा मैच और कर लें, देखते हैं कि क्या चल रहा है। बॉलिंग हमारी है, इब्राहिम, इमरान भाई, बाकी कौन बचा? बहुत अच्छा, सलमान, अली, अली मैंने ले लिया, फिर नौमी क्या आखिरी ताली में शाह भाई और नौमी बच रहे हैं? अच्छा बहुत बुरे लोग हैं, आपको आखिरी ताली में बांट रहे हैं, मजाक कर रहे हो। शाह भाई खेल रहे हैं, खेल रहे पहले में बैठे थे, मजाक कर रहे हो। क्या है कोई भी उंगली ले आए आप, टेल है, जीत गए ना हम लोग, टॉस जीत गए, बैटिंग जीत गए ना। अपने गियर्स, आपको अपने गियर्स बदलने पड़े। मोइस, क्या आपका आज के मैच के बारे में क्या रिव्यू है? बड़े बुरे हालात हैं भैया, हैं नहीं, आपको क्या लगा क्या चीज इंप्रूव होती है, कैप्टेंसी में क्या अच्छा था जो हम लोग सारे मैच जीत गए? आपकी कैप्टेंसी में ये है कि आप प्रेशर डाल के रखते हैं, जो ना हो अगले पे होता है। नहीं, लेकिन यार देखो, हार जीत तो गेम का हिस्सा होता है, लेकिन गेम स्पिरिट काउंट करता है, बहुत मज़ा आता है खेलने में। सारी मस्ती मजाक एक तरफ है, लेकिन रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है। सही बात है ना काशी भाई? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बहुत प्यारी बात की है, बहुत प्यारी बात की है, बहुत ये हमारे राहुल भाई ने जनरेट किया है। कैसे बोलते हैं राहुल भाई? शानदार बोलते है ना ये वीडियो कमेंट्री में, तो मैं बैटमैन की टीम में हूँ, मुझे तो याद पड़ रहा है, मुझे अम्माद ने लिया है शायद, ये अल्लाह वाली तरफ है। तो हमारी टीम तो स्ट्रांग है यार काफी, कहीं मेरे ऊपर कोई आत्मा का असर तो नहीं है कि जिस टीम में मैं चला? नहीं, उसकी वजह ये है, देखो तुम्हारे कि तुम जो है की प्लेयर को ले लिया, तो बॉल दे काशी भाई, बॉल दे, प्लेयर तुमने ले लिया, ये तो बहुत छोड़ गए, क्या है, तो दबरा आदिल वापस आ गए हैं अभी पवेलियन में। अब आदिल लेकिन आज माशाल्लाह बड़े खुश हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पवेलियन में आके बैठ क्यों रहे हैं, कि शायद शायद मेरे ख्याल से बैटिंग साइड है इसलिए ये बैठ गए हैं। और सलमान ने पहली बॉल मिस कर दी है, सलमान पहली बॉल मिस कर चुके हैं, अच्छा जी सलमान ने पहली बॉल मिस कर दी और सलमान दूसरी बॉल खेलने में कामयाब हो गए, और उधर से अहमद ने बड़े प्यारे तरीके से बॉल रोट ली और पकड़ ली, अच्छा जी नौमी ने खेला शॉट और अहमद आज बॉल बहुत अच्छे तरीके से रोट रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि अहमद के अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस कैसे आई हैं ना, कि आज ये बॉल पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, नौमी तो इन्होंने आउट क्यों डिक्लेयर किया मुझे नहीं पता, नौमी आउट हो रहा है, नौमी आउट हो रहा है, और नौमी बैट जो है अदील के हवाले किया है, और अदील बैटिंग पे हैं, और अदील और सलमान आमने सामने हैं, और देखते हैं क्या होता है। चले जी, वाइट बॉल दे दी गई है, फिर वाइट बॉल है, और ये अगली बॉल, और सलमान को लेकिन फिर से वाइड दे दी गई। वहाँ के जो एम्पायर हैं, जो कि कैप्टन भी हैं राहिल, उन्होंने इसको वाइड दे दिया है, तो लेकिन असूल यह है कि जो कैप्टन जो एम्पायर है वो सुनना पड़ता है, तो इसलिए सब खामोशी से इस बात को सुन रहे हैं। और सलमान ने आगे उठ के बड़ा शानदार चौका मारा और चौका लग गया, छक्का, अच्छा जी छक्का मारा है, इब्राहिम ने हमें क्लियर किया है कि ये छक्का था, और
वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, और कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है इतनी दूर से हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे पास माइक मौजूद नहीं है। तो बहरहाल अगली बॉल स्टार्ट है और ये सलमान ने फिर से बॉल खेली और सलमान ने शॉट लगाया लेकिन शॉट लगाने में कामयाब ना हुए और अली ने वहाँ से बॉल रोक ली थी और ओवर थ्रो हुई और यहाँ से राहिल ने शाहिद ने बॉल दोबारा उनकी तरफ फेंक दी। और हम देख सकते हैं कि अदील इस तरफ हैं, अदील खेल रहे हैं और अदील ने ये बॉल खेली और अदील ने भी बहुत प्यारी इनिंग खेली लेकिन अदील कैच आउट हो गए, अदील कैच आउट हो गए। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अदील परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंजॉयमेंट पे अपनी तवज्जो दे रहे हैं, अदील का ध्यान परफॉर्मेंस पे नहीं एंटरटेनमेंट पर है। और अदील बैट जो हैं इब्राहिम को पटला रहे हैं लेकिन वहाँ से शायद कैप्टन ने कुछ और कहा है, नहीं कैप्टन ने भी यही कह दिया कि हाँ इब्राहिम आ जाए बैटिंग पे। और अदील मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंजॉयमेंट पे तवज्जो दे रहे हैं, क्या ये सच है? चले आपको ग्राउंड पे ले चलते हैं क्योंकि अदील को हो गया बैट में पेन और इनके और मुइस ने चूजा छोड़ दिया। और मुइस जो हैं अदील आप कुछ कह रहे थे, अदील आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ इतनी लूसी बॉल थी, इतनी लूस बॉल थी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा अदील ने इस बॉल को लूसी बॉल करार दिया है लेकिन वहाँ पे जो बॉलर आए हैं और वहाँ पे बॉलर आए हैं इमरान जो कि जाने माने बॉलर हैं, इमरान की बॉल फेस कर रहे हैं इब्राहिम और लेकिन कुछ कहते रुकवा दिया गया है और नहीं 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 रुके नहीं। अच्छा जी इमरान अपनी बॉल करवा रहे हैं, इब्राहिम फेस कर रहे हैं और पहली बॉल खेली और अम्माद ने वहाँ से बॉल बड़े शानदार तरीके से फील्डिंग की है और रोट ली। अच्छा जी इब्राहिम आउट हो गए क्योंकि और नुमान को भेजा गया है और मैं आपको फिर से बताता चलूं कि वही कॉम्बो है नुमान और इमरान का कॉम्बो जो कि पसंद किया जाता है, हमारे यहाँ कुछ कॉम्बो ऐसे हैं जो पसंद किए जाते हैं। अच्छा ये दोनों अभी सलमान और नुमान कुछ आपस में डिस्कस कर रहे हैं और इन्होंने क्या फैसला किया है मुझे नहीं पता। अदील अच्छा हाँ प्रोफेशनली भी ये दोनों साथ होते हैं। चलो आपको ग्राउंड में ले चलते हैं, इमरान की बॉल और सलमान फेस कर रहे हैं और सलमान से बॉल मिस हो रही है, सलमान के पास अब आखिरी चांस है, अगर सलमान ने बॉल टच करके रन ना लिया तो सलमान को आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अच्छा जी इमरान वहाँ से दोबारा बॉल करवाने आ रहे हैं, देखते हैं कि सलमान इस चांस को अवेल करते हैं या नहीं करते हैं। और सलमान ने खेल ली बॉल और रन लेने में कामयाब हो गए और सलमान पहुंच गए इधर और नुमान यहां पर बैटिंग पर हैं। तो हम आपको बैटिंग स्टार्ट दोबारा से बताते चलें कि वही कॉम्बो है, फेवरेट कॉम्बो है नुमान और इमरान का कॉम्बो। नुमान बॉल करवा रहे हैं इमरान बॉल करवा रहे हैं और नुमान फेस कर रहे हैं, इमरान आए बॉल करवाने और नुमान ने ये बॉल नहीं खेली क्योंकि वाइट दे दी अंपायर ने, ये बॉल वाइट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरान नुमान के सामने थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं और वो प्रेशर में आने के बाद बाकी सारी बॉलें भी वाइड ही देते हैं, लेकिन अभी देखते हैं हो सकता है मेरा ये तजिया गलत हो लेकिन चले देखते हैं। इमरान ने ये बॉल करवाई और नुमान ने खेली और लेकिन अच्छी बॉल थी और शाहिद ने बॉल कीपिंग में पकड़ के उनको बॉल करवा दिया। और सलमान जो के मशहूर हैं रनिंग में सामने वाले को आउट करवाने में, सलमान ने वो चीज़ फिर से की है, सलमान वो चीज़ करने में फिर कामयाब रहे हैं। सलमान की जो पहचान है वो यही है कि रन लेते वक्त ये सामने वाली टीम को आउट करवा देते हैं, सामने वाले प्लेयर को आउट करवा देते हैं। अच्छा जी बैटिंग पे आए हैं कैप्टन राहिल और एम्पायरिंग पे गए हैं इमरान, बॉलिंग करवा रहे इंपायरिंग पॉइंट जो है नुमान और इंपायरिंग बॉल करवा रहे हैं इमरान। राहिल ने पहली बॉल खेल ली और रन ले लिया और साइड चेंज हो रही है, उधर से अम्माद ने बॉल पकड़ ली और शायद दोबारा टीपिंग पे जाते हुए और इमरान ही बॉल करवा रहे हैं, सलमान फेस कर रहे हैं और रनिंग साइड पर हैं राहिल। इमरान ने बॉल करवाई और सलमान ने शॉट मारा और मुइज़ ने बॉल वहां से रोक ली और बॉल बॉलर के हाथ में फेंक दी। अच्छा जी ओवर चेंज हुआ है और बॉल करवाने जा रहे हैं शाहिद जा रहे हैं और अली
14 रन है, मुझे लगता है 20 के अंदर अंदर रोक लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये अली ने अपनी वो बताई है कि 20 के अंदर रोक लेंगे। शाहिद बॉल करवा रहे हैं और सलमान चटवाली उसको फेस कर रहे हैं और बड़ी प्यारी बॉल करवाई, बड़ी ही प्यारी बॉल करवाई, सलमान को नज़र ही नहीं आई, धुआं बॉल थी। अच्छा जी, सलमान के पास चांस नहीं दूसरी बॉल मिस करने का, अगर सलमान ने मिस की तो, और सलमान ने अपनी विकेट जब बचानी हो तो अंधाधुंध भाग लेते हैं। उनको पता था मैं नहीं भाग रहा तो मुझे आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन जब सामने वाला इस पोजीशन में हो तो सलमान कभी भी उसका साथ ऐसे नहीं देते हैं। तो सलमान जो है सेल्फिश टाइप के प्लेयर हैं और वहाँ से शाहिद ने बॉल पकड़ते ही राहिल एज अ जो कैप्टन थे उनको आउट कर दिया है। और कितने टू विन है कैप्टन ओवर में 17 टू विन है, फिर से टीम ऑल आउट हो गई है, ऑल आउट है कैप्टन आप है ना, कितने टू विन है 17 टू विन है। और अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, अजीब मजा आ रहा है। बैटिंग की है ना हां, बॉल मान रहे हैं वहां से, बॉल 17-2 है। सलमान बॉलर हैं, अली बैट्समैन हैं और दूसरी साइड पे अमाद बैट्समैन हैं। तो देखते हैं, ये 3 ओवर का मैच है लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनको इतना टाइम लगेगा और रन लेने की कोशिश की लेकिन रन इन्होंने लिया नहीं है, पहली बॉल पे रन नहीं लिया है। अली के पास अब मौका नहीं है, अली को अभी रन लेना होगा। सलमान दोबारा से बॉल करवा रहे हैं और अली ने और अली रन ना ले सके और रन, और दूसरी वजह ये भी है कि अगर ना भी लेने तो आउट डिक्लेयर करना ही था अपने आप को। अच्छा जी, खेलने जो जा रहे हैं इमरान को बैटिंग पे बुलाया है, बॉल सलमान करवा रहे हैं और इमरान उसको फेस कर रहे हैं और इमरान ने पहली बॉल मिस कर दिया, अब इमरान के पास चांस नहीं है दूसरी बॉल मिस करने का, इमरान को जान पे खेल के भी इस बॉल को खेलना होगा अदरवाइज उनको बैट हमारे हवाले करना होगा। अच्छा जी, लेकिन रन लेने में कामयाब हो गए हैं और रन ले लिया और इमरान ने अपनी विकेट बचा ली है, इमरान ने अपनी विकेट बचा ली। और बॉलिंग पर आए हैं उस तरफ से, नहीं अभी कोई नहीं आया, अभी तो सलमान ही हैं, अभी सलमान ही हैं, सलमान बॉल को आ रहे हैं और अमाद उसको फेस कर रहे हैं। देखते हैं अमाद कैसा शॉट खेलते हैं, अमाद ने अच्छा शॉट खेला और पहुंच गए थे वो और वो अमाद ने विकेट बचा ली। अच्छा नहीं, आउट आउट का आउट दे दिया है, लास्ट बॉल है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है बॉल्स में, बॉल्स गिनने में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो सलमान लास्ट बॉल करवा रहे हैं और इमरान उसको फेस कर रहे हैं और इमरान ने वो बॉल खेल ली और रन लेने में भी कामयाब हो गए और बैटिंग साइड पे अम्माद आए अब, लेकिन क्योंकि ओवर चेंज हो गया है तो बैटिंग साइड भी चेंज होगी और इमरान दोबारा आपको बैटिंग पे नजर आएंगे। और उनकी तरफ से बॉलर कौन आ रहा है, बॉलर वहाँ से उन्होंने इब्राहिम को भेजा है, इब्राहिम बॉलर है और इमरान बैटिंग पर हैं, इब्राहिम बॉलर है और इमरान बैटिंग पर हैं और इब्राहिम अपनी पहली बॉल की जानिब भागते हुए और इमरान उसको फेस कर रहे हैं और इमरान ने बड़ा अच्छा शॉट मारा और वहां से कोई गिर मर के बचा लिया उसने चौका होने से, वो है नुमान, नुमान ने चौका होने से बचा लिया और इब्राहिम अपनी दूसरी बॉल की तरफ भागते हुए और अम्माद उसको फेस कर रहे हैं और अम्माद रन लेने में भी कामयाब हो गए, हालांकि बैट से बॉल ना टच हो पाए लेकिन रन ले लिया उन्होंने, रन ले लिया। अच्छा जी, दो बॉलें इब्राहिम की हो चुकी हैं और इब्राहिम अपनी तीसरी बॉल की जानेब भागते हुए और फेस कर रहे हैं इमरान, इमरान ने शॉट खेला लेकिन अदील मसूरी ने शानदार तरीके से उसे कैच कर लिया और अदील उसको कैच करने में कामयाब रहे और अदील और इब्राहिम ने हाथ मिलाया क्योंकि बॉलर इब्राहिम थे और कैच जिन्होंने किया था वो अदील थे, इसलिए उन्होंने आपस में हाथ मिलाया और बैटिंग पे भेजा है शाहिद को। अब हमें ये लगता है कि मैच शाहिद ही ख़त्म कर देंगे, इसके बाद किसी और बैट्समैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शाहिद यहीं पर मैच ख़त्म कर देंगे।
जी हाँ, इब्राहिम आ रहे हैं और शाहिद ने बॉल फेस की और शाहिद ने अच्छा जी बॉल छत पे लग के विकेट पे लगी है। मैं ईमानदारी वाली बात बताऊंगा लेकिन मुझे नहीं पता इसका फैसला क्या होता है। ईमानदारी ये है कि छत पे लग के विकेट पे बॉल लगी है मुझे, लेकिन ये नहीं पता कि इसे आउट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। नहीं बॉल देखे बॉल छत पे लग के विकेट पे लगी है। मैं वहाँ पे लग के भी आके आगे लगेगी वाइड आउट, किसी ने हाथ थोड़ी मारा, हेड विकेट ले वाइड आउट पे चले। अमाद आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस ये एम्पायर डिसीजन लेंगे लेकिन मुझे तो लगता है आप कैप्टन है, आपको भी तो हाँ तो हाँ जे बहुत थके हुए हैं, पता नहीं क्या करते हैं जो इतना थके हुए हैं। कोई इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दी फिर भी थके थके से हैं। अमाद आपको बहुत फोकस रहना होगा। अच्छा जी इब्राहिम वहां से बॉल करवा रहे हैं और अमाद फेस कर रहे हैं। इब्राहिम ने बॉल कराई, अमाद ने बॉल खेल ली, रन लिया और राहिल एज यूजुअल मच्छियाँ पकड़ने में नाकाम रहे और इन्होंने दो रन ले लिए बड़े शानदार तरीके से दो रन लिए। अमाद ऑडियंस क्लैप कर रही है और इन दोनों ने भी आपस में हाथ मिलाया उधर से। अच्छा जी फिर से वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। इमरान आपको पता है किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है? हम वहाँ तक जा नहीं सकते। बाउंड्री हुई थी या नहीं? अच्छा जी तो अब वहाँ पे फिर से कुछ चल रहा है, रन्स पे चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। छह पे नौ चाहिए और बॉलर जो हैं नुमान हैं, बैट्समैन शाहिद और अम्माद हैं, तो मुझे लगता है हलवा है, मुझे ऐसा लगता है हलवा है। मुझे आप लोग एक बात और बताएं, क्या आप लोग इस चीज़ की वीडियोस देखना पसंद करेंगे जैसे मेलबर्न की और पाकिस्तान की जो टीम्स हैं मतलब इंडी से आ गई या कहीं इधर उधर से हो गई, तो क्या उन लोगों को बुला के हम लोग उनसे 6-6 ओवर का मैच रखें क्या? अगर तो आप लोग ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे लाइक कमेंट करके मुझे बताएं। अच्छा जी बॉलर नुमान अपनी पहली बॉल की जानिब और शाहिद उसको फेस कर रहे हैं और शाहिद ने बहुत अच्छे से खेला ये और रन लेने में भी कामयाब रहे और ओवर थ्रो हो गई और दूसरा रन भी ले लिया। कैप्टन राहिल अपने बॉलर नुमान पे नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि यार ओवर थ्रो मत करो। अच्छा जी नुमान अपनी दूसरी बॉल करवाते हुए शाहिद उसको फेस करते हुए और शाहिद ने बड़े शानदार तरीके से खेली और राहिल से एज यूजुअल मिस हुई। और चलें आपको लिए चलते हैं तीसरी बॉल की जानिब जिसको फेस शाहिद करो। शाहिद ने शानदार छक्का लगा दिया और मैच मेरे ख्याल से बराबर हो गया। ड्रॉ तीन बॉलों पे एक रन चाहिए। अच्छा जी बॉल हो रही है नो बॉल पे जीत गए हैं। कैप्टन के पास ले जा रहा हूँ या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी जीत पे? ये टीम वर्क था और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए हैं। अच्छा जी और मैं हारे हुए कैप्टन को भी ध्यान दें, ये हारी हुई टीम के कैप्टन है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई नसीब है हमारे खराब निकले। आप अपनी परफॉर्मेंस तो नहीं कुछ बोलेंगे, नसीबों पे हर चीज़ डाल देंगे आप? ये गलत बात है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब कैमरा आप जैसे पटौती के हाथ में होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक बस बात बोलना चाहूँगा कि जब हम कुछ अचीव करते हैं तो हम उसको अपनी मेहनत कहते हैं और जब हम कुछ हार जाते हैं तो कहते हैं नसीब नहीं थे। ये गलत बात है, ये ना करें। आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी। टीम में सलमान होगा वो टीम हारेगी क्योंकि वो अपने लिए खेलता है। चलिए हम आपको सलमान को फोटो करते हैं, सलमान कौन है ताकि आपको पता चल जाए सलमान कौन है। जी हाँ ये वही हैं चटवाल वाले जो पनौती हैं, इनके कैप्टन ने इनको पनौती करार दिया है, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी ये अपना कुछ मांगने आए हैं। अच्छा तो इसी तरीके से सारे प्लेयर्स के लिए मेरी तरफ से एक बार क्लैपिंग है। ये सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत मज़ा आया।
जो जो प्लेयर्स आप लोग अच्छे लगते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट करके बनाएं ताकि हम लोग को उनके ऊपर मोर फोकस करके उनकी वीडियोस ज़्यादा बनाएं और आप लोगों को दिखा सकें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कहीं और जगह किसी अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।